ओम शांति। आज बाप दादा के 3 अगस्त 1975 के वे मधुर महावाक्य जो अव्यक्त रूप से हमारे पास आए हैं, उन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का हेडिंग है, शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयार होने के लिए सावधानी। माया से युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाले, सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाले, सर्व प्रकार के बंधनों व आकर्षणों से परे रहने वाले सर्वोच्च सेनापति शिव बाबा ने रूहानी योद्धाओं के प्रति मनोहर शिक्षाएं व सावधानियां देते हुए ये मधुर और अनमोल महावाक्य उच्चारे। सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सारी सेना है ना, पांडव शिव शक्ति सेना। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में सेनाएं होती हैं, हिंसक सेनाएं होती हैं, ये आध्यात्मिक सेना है, अहिंसक सेना है। वो सेनाएं आपस में हिंसक युद्ध करती हैं। इस सेना का कार्य है माया के 5 विकारों से युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त करना। तो बाबा उस सेना को देखते हुए कह रहे हैं, क्योंकि हमारी सेना की शक्ति क्या है, हमारा सेनापति है निराकार परमात्मा। तो निराकार परमात्मा से हम योग युक्त रहेंगे तो परमात्मा के द्वारा जो निर्देश आदेश या श्रीमत मिल रही है उसके अनुसार युद्ध करेंगे। तो अगर युद्ध करने वाले उससे डिस्कनेक्ट हो जाएं, या किसी सेना की सप्लाई लाइन ही कट जाए, या किसी पौधे को आप काट करके फूलदान में डाल दें तो फिर उसकी आयु तो कम हो जाती है ना। इसलिए बाबा ने कहा योग युक्त निरंतर रह के तो आपके जो तीर लगेंगे अर्थात ज्ञान के तीर लगेंगे वो पूरे निशाने पर लगेंगे। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है युक्ति युक्त। तो बाबा कहते हैं कि युक्ति युक्त का कई लोग युक्ति का अर्थ समझ लेते हैं कि कोई ऐसा तरीका बनाया हुआ तरीका विधि। तो बाबा कहते हैं युक्ति का अर्थ क्या होता है कि प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली समय को स्थान को परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चल रहे हो। क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए। आगे बाबा कहते थे कर्म तुम्हारा युक्ति युक्त हो, अगर मन के अंदर कुछ हलचल भी मिटती है तो उसकी मार्जन दे देते थे, वाणी में भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो मार्जन। अब बाबा कहते हैं कि ऐसा समय नाजुक आ गया है कि तीनों के अंदर जरा भी मार्जन नहीं है। संकल्प वाणी और कर्म तीनों ही युक्ति युक्त हों। अगर कोई भी चीज़ में युक्ति या मर्यादा नहीं होगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। युक्ति युक्त को हम मर्यादा युक्त भी कह सकते हैं, नियम प्रमाण। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। यानी जब एट वार होते हैं, सामने दुश्मन खड़ा है तो कितना फुल अटेंशन रखना पड़ता है अपने ऊपर भी और अपने शस्त्रों के ऊपर भी। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, ये मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव
युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना में भी पड़ सकता है। हाँ, तो बाबा ने कहते हैं कि एक तो होता योद्धा और एक योद्धा युद्ध के मैदान में। तो जब योद्धा युद्ध के मैदान में आ जाते हैं तो सामने तरफ भी शत्रु पूरी तरह से लैस होकर के आ जाता है, उस परिस्थिति में क्या होता है? तो उसमें बाबा कहते हैं कि तो फुल अटेंशन देना पड़ता है कि कब वो लड़ाई शुरू ना कर दे, हमारे ऊपर हमला ना कर दे, कोई वार ना कर दे। तो अपने ऊपर पूरा अटेंशन, क्योंकि ज़रा सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और अपने शस्त्रों पर के जो भी शस्त्र हमारी शक्तियां हैं, तो जो भी हमारी शक्तियां हैं उनको भी हम अपने संभाल करके बिल्कुल अटेंशन से सारी शक्तियों को धारण किए हुए ये रूहानी योद्धा सामने खड़े हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं समय युद्ध के अब मैदान में आने का आ गया, सामने आने का आ गया। पहले या तो तैयारी करते हैं ना योद्धा, जब सामने आ जाते हैं तो फिर बिल्कुल ही कोई भी बात में अगर ज़रा सी भी गफलत हो गई तो फिर बहुत नुकसान हो जाता। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नज़दीक आता जाएगा, दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा। ये बाबा ने जो टेंशन की बात कही कि दुनिया के अंदर जैसे जैसे समय नाजुक आ रहा है तो दुनिया के अंदर तनाव बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। तो बाबा कहते हैं अगर योद्धा अपने युद्ध में पूरा अटेंशन नहीं रखेगा तो हमला हो जाएगा, वार हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए दुनिया में जब अटेंशन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, तो उस टेंशन में अगर आपकी अटेंशन ज़रा भी कम हुई तो उनके टेंशन का प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा, आप भी टेंशन में आ जाएंगे। तो टेंशन में आया हुआ योद्धा तो ठीक नहीं होता ना, वो तो वैसे नर्वस ही हो जाएगा। तब बाबा कहते हैं उसके प्रभाव को दूर रखने के लिए आपको पूरा अटेंशन रखना है। अटेंशन क्या है? योग युक्त और युक्ति युक्त। खींचा तान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा। हाँ, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। बाबा ने आने वाले समय का बहुत ही क्लियर करके स्पष्ट वर्णन हमारे आगे रखा है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं का नुकसान का टेंशन, कितने प्रकार के टेंशन वो बाबा, यानी प्रकृति द्वारा टेंशन जो हम आजकल देख ही रहे हैं, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं आंधी तूफान हरिकेन आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं क्रॉप्स खराब हो रही हैं, अति वर्षा हो रही है, इत्यादि इत्यादि। ये प्रकृति के छोटे छोटे जो आते हैं वो प्रकृति के आगे तो किसी की आजकल के दुनिया के कमज़ोर आत्माओं की चाल नहीं चलती। प्रकृति दासी तो है नहीं, तो उनका कितनों का सब कुछ नुकसान हो जाता है या आधा नुकसान हो जाता है, यानी बिल्कुल एक प्रकार से डिवास्टेशन हो जाती है जहाँ प्रकृति प्रकोप करती है। तो एक उसका भी टेंशन है, जिन जहाँ हो गया उनको तो है ही, जहाँ नहीं है उनको भी टेंशन रहता है कि अगर ऐसा हमारे वहाँ हो गया तो क्या होगा। तो बाबा कहते हैं हाँ। दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन। हाँ, तो गवर्नमेंट भी अपने नियमों को कड़े करते जाती है, उसके अनुसार लोगों को इतने नियमों का पालन करना पड़ता है, उसका भी उनको टेंशन आ जाता है, क्योंकि सरकारी नियम को तो कोई तोड़ नहीं सकता। तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन। हाँ, हर एक का बिजनेस जो है धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है। हाँ, वो भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में। और क्योंकि स्नेह भी घटता जाएगा और फ्रीडम बंधन में बनती जाएगी, मजबूरी आती जाएगी, तो उससे भी बाबा कहते हैं जो खुशी होनी वो भी गई। चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पेंगी, जहां जाएंगी वहां टेंशन, बुरा हाल। जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाती है तो कितनी परेशानी होती है। दिमाग खिंचा हुआ रहता है,
ऐसे ही ये वातावरण बढ़ता जाएगा। हाँ, किसी की टांग की नस खिंच जाए, कितना जोरदार दर्द होता है उसके अंदर। इसी प्रकार से सारे दिमाग के अंदर चारों ओर का ये जो खिंचाव बाबा ने बताया है, वो खिंचा रहेगा तो कितना तड़पेंगी आत्माएं। बाबा कहते हैं जैसे कोई ठिकाना नजर नहीं आए कि क्या करें, हाँ करें तो भी खिंचावट और ना करें तो भी खिंचावट, ऐसी सिचुएशन कमाएं तो भी मुश्किल ना कमाएं तो भी मुश्किल, इकट्ठा करें तो भी मुश्किल ना करें तो भी मुश्किल, ऐसा वातावरण बनता जाएगा। यानी बच नहीं सकेंगे, आगे कुछ आधार थे, ऐसे ऐसे करेंगे तो थोड़ा हमारी सेफ्टी रहेगी। अब बाबा कहते हैं सारे आधार नीचे से खिंच जाएंगे, जैसे किसी को फांसी दी जाती है तो उसके नीचे से पट्टा खींच लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कमाई करने, एक तो सारा बिजनेस डाउन हो जाएगा, उसके बाद कमाई करें उसका भी कुछ प्राप्ति नज़र नहीं आएगी, और ना करें तो भी काम नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से हर जगह पैराडॉक्स और कंट्राडिक्शन होगा, इधर जाएं तो भी दिक्कत, उधर जाएं तो भी दिक्कत, ऐसे वातावरण में घिर जाएंगे। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर न हो। हाँ, तो उसकी तैयारी अभी से करनी है। स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं न भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। बाबा कहते चलो अपने लिए तो बाबा ने प्रोटेक्शन दिया हुआ, आपको ऐसी परिस्थितियां ना आए कि आपको ना कमाने का चिंता हो, ना बचाने का चिंता हो, या छोड़ने का हो, बंधन मुक्त हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो कमज़ोर होता है, जैसे दुनिया में बीमारी फैलती है तो जो शारीरिक रोग फैलता है, एपिडेमिक फैलता है, तो सबसे पहले कमज़ोर उसमें पकड़ा जाता है। इसी प्रकार से सेना के सेनानी भी अगर बहादुर नहीं होंगे, एकदम हिम्मत वाले नहीं होंगे, तो अपना कारण ना भी बने तो वातावरण का प्रभाव ही उनको भयभीत कर देगा। काफी है। तो बाबा ने कहा भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव ना हो, उसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। ये बाबा ने युक्ति बताई है, विधि बताई है। नहीं, बाबा कहते हैं बेशक सेवा करो और भी करो, लेकिन साथ साथ अपनी शक्ति भरने का भी कार्यक्रम बनाओ। उमंग उत्साह कायम रहे, उसमें निराशा ना आए, आलस्य ना आए, क्योंकि वो कमज़ोरी के निशानियाँ होती हैं, तो ये करते रहना चाहिए। फौज वाले भी जो होते हैं, आर्मी वाले, वो अपनी आर्मी को एक्सरसाइजेस कराते रहते हैं ना, नेवी में जाके शिप्स की एक्सरसाइज कराते हैं। अर्थ वाले जो आर्मी होती है, उन लोगों को भी भिन्न भिन्न जगह कैंप्स लगा के एक्सरसाइज करा के एक्टिव रखते हैं। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्त भी बहुत चाहिए। जितना वृद्धि होगी उसके अनुसार फिर उस तरह की पूरी युक्ति भी चाहिए, प्रबंध चाहिए। आजकल कोई सभी ज्ञानी तो आत्मा बनने नहीं आते हैं। हाँ, बाबा ने फिर ये भी बताया कि अब आने वाले आपके पास जो स्टूडेंट होंगे वो किस क्वालिटी के होंगे, ये खास पढ़ने की चीज़ है। एक क्वालिटी है बाप समान बनने वाली। हाँ, जो बाप स्वरूप मास्टर बन जाते हैं तो फर्स्ट क्वालिटी है बाप समान बनना। हाँ, दूसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप के संबंध में रहने वाले। तीसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप व सेवा के संपर्क में रहने वाले। हाँ, तो बाबा ने कहा आजकल जो आएंगे वो कोई फर्स्ट सेकंड क्वालिटी के भी नहीं आएंगे, वो जो कहा पूरे जिज्ञासु बनने वाले भी नहीं आएंगे, वो समय आएगा। तीन क्वालिटी के आत्माएं आएंगी, सिर्फ संबंध संपर्क रखने वाले आएंगे ज्यादा। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले
ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे, सब एक जैसे नहीं निकलेंगे, दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी, उन्हें एक ही बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेंगी, सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी उनों को भी जो चाहिए उसी प्रमाण उनों को संपर्क में रखते रहना है, ऐसे नहीं कि उनको छोड़ देना है, वो जो उनको भी जो चाहिए उसके अनुसार उनको चलाना है, क्योंकि प्रजा ज्यादा आएगी, क्वांटिटी ज्यादा आएगी, क्वालिटी वाले थोड़े घटती जाएगी, यानी फिदा होने वाले कम आएंगे, फेरी पहनने वाले संपर्क रखने वाले ज्यादा आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी उनों को जो चाहिए उसी प्रमाण उनों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसे नाजुक होता जाएगा वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर बनना मुश्किल होगा, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि रेगुलर डेली पंक्चुअली क्लास में आ ही नहीं सकेंगे, ये भी एक कारण बनेगा, परिस्थितियां, एक उनकी अपना स्वभाव और एक बाहर की परिस्थितियां। लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना, जो लास्ट पोज कैसा होता है, जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है, वह विरला कोई का होगा, मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे, तो ये अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दें, ये बाबा कहते ऐसे नहीं है कि भाई उनका संबंध संपर्क वालों का भी ऐसा हो, बाबा कहते ऐसा ना हो कि आप उनको वंचित कर दो, इग्नोर उनको कर जो दो, चाहिए इग्नोर कर दो, भाई ये तो संपर्क वाले हैं, कभी कभी आते हैं, नहीं इन्होंने बारिश थोड़ी बनना है, उनको भी साथ रखना है, उनको जो चाहिए देना है। खाली हाथ कोई भी ना जाए, नियमों पर भल नहीं चल पाते लेकिन वो स्नेह में रहना चाहते हो, ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। और इसमें दूसरी परख शक्ति भी चाहिए, ये जो कमजोर है उसको आप कोई भारी चीज दे देंगे तो वो फिर उसको धारण नहीं कर सकेगा, ले नहीं पाएगा, तो डॉक्टर भी कमजोर पेशेंट को, बच्चे को डाइल्यूटेड दवाई देता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक तो उनको वंचित नहीं रखना, दूसरे ये भी परखना है कि वो कहाँ तक ले सकते हैं, उतना ही उसको देना है। बाबा कह रहे हैं वो स्नेह में रहना चाहते हैं तो ऐसी आत्माओं पर भी अटेंशन रखना है, समझ लेना चाहिए ये ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। अंतिम पुर है, जैसे जो पहले पहले बाबा के बच्चे आदि रत्न आए कितने पावरफुल थे, उसके बाद जो मिडल में आए वो दूसरों की सेवा भी करते थे लेकिन उनके अंदर वो पावर नहीं थी जो पहले ग्रुप में थी। अब बाबा कहते बिल्कुल लास्ट और थर्ड ग्रुप आ रहा है तो ये तो फिर उससे भी कम पावर वाले हैं, जितना लेना चाहे ले सकें वो लें, शक्ति स्वरूप नहीं होंगे, स्नेह स्वरूप होंगे। तो समय के प्रमाण वातावरण को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। तो जो कम होगा क्योंकि स्नेह होगा पावर नहीं होगी, तो हमें पावरफुल वातावरण बनाना है। हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि अगर उनको छोड़ देंगे तो वंचित हो जाएंगे, अब वंचित भी हो जाएंगे, वातावरण भी कमजोर हो जाएगा। कोई अंचली लेना चाहता है तो उसको अंचली दी जाएगी ना। ब्राह्मण बच्चों की साधारण रीति से दिनचर्या बीते वो आजकल के समय प्रमाण न होना चाहिए, नहीं तो वो प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए विशेष रीति से वातावरण को याद की यात्रा से पावरफुल बनाने में
सब बच्चों का अटेंशन खिंचवाना चाहिए। ठीक। अपने को उस दुनिया के वातावरण से कैसे बचा सके, वो स्टेज क्या है, कर्म योगी होते भी योगीपन की स्टेज किसको कहा जाता है, इस प्रकार की पॉइंट्स के ऊपर अब विशेष अटेंशन देना है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर धारणा करनी है और प्रैक्टिकल लाइफ नाजुक समय के कारण से उसमें परिवर्तन आता जा रहा है, उलझने बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और आत्माएं कमज़ोर होती जा रही हैं दोनों तरफ। एक तरफ समय नाजुक होता जा रहा है, दूसरी तरफ आत्माओं की शक्ति भी घटती जा रही है। तो इस सारी परिस्थिति को देखते हुए फिर उसी प्रकार का सोचना है। यानी बाबा ने कहा है कि वातावरण को पावरफुल बनाओ। हाँ, वो ब्राह्मणों का साधारण लाइफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार अटेंशन देना पड़ेगा ना। जैसे डॉक्टर नॉर्मल दवाई देता है, इलाज करता है, और कभी कोई एपिडेमिक फैल जाए तो डॉक्टर अटेंटिव हो जाएगा कि नहीं, उसका सारा दिनचर्या बदल जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको भी साधारण ब्राह्मण लाइफ नहीं, अब समय के साथ उसको परिवर्तित करना। इसलिए शुरू बाबा ने मुरली की थी, सदा योग युक्त और युक्ति युक्त। इसी प्रकार की पॉइंट्स के ऊपर अब विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि अब ड्रामानुसार चारों ओर बड़ी बड़ी सर्विस करने का टाइम कुछ समय के लिए मर्ज है ना। बड़े बड़े प्रोग्राम्स बाहर के नहीं कर पाते हो तो टीचर्स फ्री हुई, बाहर की सर्विस नहीं, बाकी रही सेंटर्स पर आने वालों की सेवा, बाहर की सर्विस से बुद्धि फ्री है। ऐसा समय आएगा, ये बीच में भी आया था, ये इमरजेंसी के दौरान की, कि जब हम बाहर की सर्विस नहीं कर पाते थे तो बाबा कहते फिर अंदर की सर्विस करो, कि वातावरण जो है वो शक्तिशाली पावरफुल बना। यानी भगवान स्वयं जो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं, और शुरू से बाबा ने यही बताया है कि आपकी जो वास्तविक शक्ति है, आपकी जो वास्तविक विशेषता है ब्रह्मा कुमारी की, वो नियमों और मर्यादाओं का पालन है। ऐसा भी समय था, आप जानते हैं, कि बाबा माउंट आबू में हेड क्वार्टर में स्वयं मिलने के लिए बाबा कंडीशन रखते थे कि इतना समय तक वो पहले कोर्स किया हुआ हो, फिर उसने सेंटर पर स्टडी की हुई हो, फिर वो धारणाओं में पूरा चलता हो, तब उसको माउंट आबू में लाना। क्योंकि माउंट आबू में आना, बाबा से मिलना, जैसे सागर के अंदर तैरना, समुंदर के अंदर तैरना है। जिस व्यक्ति ने कभी तालाब के अंदर, नहर के अंदर, नदी के अंदर भी तैरा ना हो, सीधा वो समुंदर के अंदर तैरने आ जाएगा तो डूब जाएगा ना, उसके पल्ले ही नहीं कुछ पड़ेगा। तो क्योंकि वो स्थान हेडक्वार्टर था, बाबा एक तरफ ये कहा करते थे। फिर भी बाबा बाद में हमेशा ये कहा कि किसी को भी इंद्रप्रस्थ है, किसी ऐसे को सेंटर में नहीं आने देना जो विकारी हो, जो वातावरण खराब करेगा। इस कंडीशन में बाबा ने इस यज्ञ को बढ़ाया। यज्ञ की अग्नि ज्वाला तेज होनी चाहिए, ऐसा मजबूत किला करो जो माया अंदर प्रवेश न करे। लेकिन अब बाबा चेंज सरकमस्टांसिस के अंदर बता रहे हैं कि अब आपको किले से बाहर आना है, अब आप मैदान में, युद्ध के मैदान में आना है। अब अंतिम परिस्थितियां आ रही हैं, जितना जितना समय नज़दीक आ रहा है उतना उतना हर प्रकार के हालात नाजुक होते जा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं लोगों की या संबंध हैं। आप देखेंगे ना, आगे संबंध फिर भी कुछ चलते थे, बंधन में भी कुछ संबंध की शक्ति थी, आज तो बिल्कुल ही संबंध विच्छेद हो गए हैं। आज तो व्यक्ति अपने नेबर के घर के आगे कार खड़ी कर दे तो भी भय, तो शूट कर देते हैं, लड़ाई हो जाती है। सड़क के ऊपर जरा रोड रेज चलता है तो बिल्कुल परिस्थितियां अति तमो प्रधान और नाजुक हैं। तो अब बाबा स्वयं कह रहे हैं, जो मर्यादाओं का पालन करवाने वाले वो खुद कह रहे हैं, अब आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकेंगे, जो नियमों का ऊपर नहीं चल सकेंगे। हमारे खान पान का कितना परहेज है,
कि हम आत्माएं जो हैं अन्न दोष का कितना परहेज है, लेकिन अब आपके पास ऐसी आत्माएं आएंगी जो अन्न का परहेज नहीं कर सकेंगी, जो सभी नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे, तो वैसे तो हम उनको नॉट अलाउड कर दें कि आकर के वातावरण खराब करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं उनको आपको वंचित तो नहीं करना ना, कुछ ना कुछ उनको देना है, उस स्नेह से अपनी आवश्यकता के अनुसार अति आपके पास भीड़ कर देंगे। फिर बाबा कहते हैं ऐसी परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने नियमों और मर्यादाओं को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि उनके द्वारा जो वातावरण कमज़ोर किया जाएगा उसको हम अपनी शक्ति से मजबूत करें। बाबा ने कहा हुआ ना कि अपने बल से भी नहीं वो चल सकेंगे, आपको अपना बल उनको देके उनको चलाना पड़ेगा। तो ये सारी परिस्थिति बाबा बता रहे हैं, हमें अब तैयार रहना चाहिए कि उस प्रकार के जो बाबा की मर्यादा युक्त बच्चे अपने आप को बाप समान बनाने वाले थे वो नहीं आएंगे, सेकंड ग्रेड वाले भी नहीं आएंगे, अब तो भीड़ लगेगी जो बिल्कुल ही ज़रा ज़रा अंचली लेने वाले हैं उनकी। कर्म योगी होते हुए भी, हाँ, योगीपन की स्टेज किसको कहता है, अब इस प्रकार की पॉइंट्स के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। अब देखिए कर्म योगी है और कर्म के अंदर कितनी अब ऐसी कर्म करना भी जो है श्रेष्ठ कर्म करना कठिन हो जाएगा, परिस्थितियाँ ऐसी होंगी। बाबा ने यहाँ तक कहा कि सेंटर पर आना चाहे भी तो भी नहीं आ सकेगा ज्ञान लेने के लिए, तो ऐसी परिस्थितियों में योगी कौन, किस तरह से कहा जाए, योगी की परिभाषा क्या है, वो बाबा कहते हैं उस पॉइंट पर अब आज की परिस्थिति में डिस्कस करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं अभी बाहर की सर्विस से तो बुद्धि फ्री है, हाँ। नहीं तो कहते हैं बहुत बिजी रहते हैं, प्लान्स और, बनाना और आगे भी करना, आगे भी वो टाइम आने वाला है। बाबा ने कहा हुआ है कि बहुत शीघ्र ऐसी परिस्थिति आ जाएगी आप बाहर की सर्विस कर ही नहीं सकोगे, तो उसमें फिर क्या करोगे, एक तरफ बाहर की सर्विस कर नहीं सकोगे, दूसरी तरफ शक्ति की बहुत आवश्यकता होगी, तो उसमें हमें परिस्थिति के अनुसार चेंज करना पड़ेगा ना, तो उसके बाबा बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा अब तो वो भी नहीं है, अब याद की यात्रा की सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देना है, कोई ना कोई प्रोग्राम हर सेंटर पर चलना चाहिए जो आने वालों में बल भर जाए। हाँ तो बाबा कहते हैं फिर क्या करेंगे, अंत में कौन सी शक्ति काम आएगी, ना आपकी धन की शक्ति काम आएगी, ना जन की शक्ति काम आएगी, ना आपका जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस, आपका कोई पोस्ट पोजीशन काम आएगी, क्या काम आएगा उस समय, केवल उस समय विल पावर काम आएगी। तो बाबा कहते हैं विल पावर कैसे बढ़ाओगे, ये सबसे बड़ी पावर विल पावर है, तो विल पावर बढ़ाने का एक ही तरीका है कि परमात्मा के साथ योग लगा करके हम अपना मनोबल बढ़ाएँ, उसकी बाबा कहते प्रैक्टिस करो। कोई ना कोई प्रोग्राम हर सेंटर पर चलना चाहिए जो आने वालों में बल भर जाए, ऐसे समय पर वो भी न्यारे रहें, हाँ। साक्षी होकर समस्या का सामना करें। अगर व्यक्ति खुद मजबूत भी हो लेकिन उसके आसपास के व्यक्ति जो हैं वो कमज़ोर होंगे तो भी उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, कई पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, अब वो बच्चे में किसी बच्चे में डिफॉर्मिटी है, कोई डेफिशिएंसी है, कोई बच्चा कमज़ोर है, अपंग है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं अब तो आपके पास आने वाले जो आपकी प्रजा है वो अति कमज़ोर होगी, तो उनको भी अपने योग बल की शक्ति भर करके उनको शक्तिशाली बनाना, नहीं तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं हाँ, जब तक बाहर की सर्विस का नए नए प्लान्स का फोर्स कम है तो कोई पॉइंट का जोर होना चाहिए। यानी बाबा ने हर परिस्थिति में, अब सेना को हर परिस्थिति में काम करना पड़ता ना, तो कभी तो सेना जो है उसको हर प्रकार की बाहर की जब स्थिति आती है वार की, तो उसको एयर फोर्स को भी साथ लगाना पड़ता है, आर्मी को अपने साथ साथ रखना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति आती है कि नेवी भी उस सेना के अंदर अपना पार्ट बजाती है,
लेकिन बाबा कहते जब जिस प्रकार की युद्ध हो उसी प्रकार का रूप लेना पड़ता है ना, लेकिन उस हर प्रकार के रूप पावरफुल हो। तो बाबा कहते अंदर की एक्चुअली बाहर की सेवा के लिए और प्रकार की परिस्थितियां हैं, अंदर की सेवा के लिए और प्रकार की परिस्थितियां हैं। ये तो बाबा कहते हैं रिहर्सल करवाया गया कि बाहर की सेवा टेम्परेरली बंद हो गई, लेकिन अंत में तो बाहर की सेवा हो ही नहीं सकेगी। जो जहाँ है उसको वहाँ ही अपने ताकतवर वाइब्रेशन के द्वारा, अपनी विल पावर के द्वारा वातावरण को बदलना पड़ेगा। वातावरण धीरे धीरे नाजुक होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, उसी अनुपात में हमारी वाइब्रेशन पावरफुल होनी चाहिए। जैसे बाबा कभी कभी कहते, ब्रह्मा बाबा को खुद हमने देखा है कि ब्रह्मा बाबा बैठ करके, रात को भी जाग करके, ब्रह्मा बाबा बिल्कुल जिसको कहते हैं ज्वालामुखी रूप धारण करके, तपस्वी रूप धारण करके वाइब्रेशन फैलाया करते थे। तो बाबा हमको भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि बच्चे आप मुख के द्वारा कहाँ तक सेवा करोगे, साधनों के द्वारा कहाँ तक सेवा करोगे, आखिर तो आपको मनसा सेवा, जो कि सबसे श्रेष्ठ सेवा है जो सब तक पहुँचे। अब मनसा सेवा में बाबा क्या कहते हैं, पहले पहले हमको रहम की भावना चाहिए। जब तक हम रहम की भावना अपने लिए भी नहीं रखते, दूसरों के लिए नहीं रखते, हम सेवा नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर भी कहावत है ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो अगर आपने किसी भी प्राणी संकल्प को, प्राणी संस्कार को, स्वभाव को ख़त्म करना है, या किसी से आपकी कोई बात है उसको भूलना है, तो पहली शर्त क्या होती है, आप उसको भूल ही नहीं सकते फॉरगिव जब तक आप फॉरगिव नहीं करते। फॉरगिव का अर्थ होता है क्षमा भाव, दया भाव, करुणा भाव, रहम दिली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान हमारा इतना पावरफुल है कि व्यक्ति को इतना शक्तिशाली बना देता है कि उसको रहम भूल सकता है, दिल से क्षमा। क्यों कि हम, ये भी तो हमें ज्ञान मिलता है, हर आत्मा अपने कर्म का फल भोग रही है। अब आप देखिए, अगर हम ये माने कि हर आत्मा अपने कर्म का फल भोग रही है, हम उसमें इंटरफियर क्यों करें, क्या ज़रूरत है, तो हम क्या बन जाएंगे, क्या लॉफुल बन जाएंगे। तो जो व्यक्ति लॉफुल होता है वो काइंड नहीं हो सकता, वो क्षमा नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि एक तरफ लॉ है, लॉ में तो जैसे को तैसा होगा, कर्म फिलॉसफी भी यही कहती है, जो करोगे सो पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, लेकिन इसमें कोई मार्जिन तो नहीं है ना। तो फिर बाबा कहता है गॉड को मर्सीफुल क्यों कहा जाता है। अगर परमात्मा का ये अटल नियम है कि जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, तो फिर गॉड को मर्सीफुल क्यों कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर भी मार्जिन रहता है, यही विशेषता है परमात्मा की कि वो काइंड भी है और जस्ट भी है। दुनिया के अंदर या तो आप जस्ट हो सकते हैं या काइंड हो सकते हैं। इसलिए बाबा ने हमको कहा है आने वाले समय में अगर हम ये सोचने लग गए ये कैसी आत्माएं आ रही हैं, ना तो ये धारणा करती हैं ना कुछ करती हैं, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आपको रहम दिल, मर्सीफुल, काइंडनेस, ये संस्कार अभी से भरना पड़ेगा, नहीं तो आप उनको वंचित कर देंगे। बाबा ने कहा नहीं तो फ्री होकर फिर व्यर्थ का साइड ज्यादा हो जाएगा। सर्विस में बिजी रहने से व्यर्थ की बातों से बचे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हर किसी ना किसी प्रकार की सेवा में बिजी रहेंगे तब आपका व्यर्थ का खाता नहीं बनेगा या साधारणता का खाता नहीं बनेगा। तो बाबा व्यर्थ और साधारण से बचने के लिए सेवा में बिजी रहना है। अगर बाहर की सेवा नहीं है तो मनसा सेवा ही करते रहना। अभी वो सर्विस का स्कोप कम है तो जरूर समय बचेगा, वो फिर व्यर्थ वातावरण में समय जाएगा, यानी बाहर की सर्विस का स्कोप। इसलिए ब्राह्मणों को खबरदार होशियार करने के लिए
वह स्वयं की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसी पॉइंट्स व क्लासेस के प्रोग्राम्स बनाओ जिससे वह ये समझे हमें मधुबन लाइट हाउस से विशेष लाइट आ रही है। ये बाबा माउंट आबू के बच्चों को कह रहे हैं कि वहाँ से कुछ विशेष पॉइंट्स निकाल के विशेष डायरेक्शंस, विशेष दिनचर्या बना के भेजें ताकि लोग समझे कि वहाँ से हमें ये लाइट और गाइडेंस आ रही है। कारोबार तो ड्रामानुसार ठीक ही चल रही है। अभी की कारोबार से राज्य चलाने के संस्कार बढ़ते जा रहे हैं। बाबा ने फिर ये भी बताया कि ड्रामा अनुसार जो हो रहा है वो ठीक चल रहा है और ऑटोमेटिकली आपको इस प्रकार की बाबा ने हमारे लिए परिस्थिति बनाई हुई है कि सतयुग में राज्य करने के संस्कार हमारे अंदर बढ़ते जाएं। राज सिंहासन और यह है राज आसन। बाबा राज्य करने वाले बनकर फिर उस सिंहासन पर बैठे, पहले राज आसन धारी बनेंगे फिर राज सिंहासन धारी बनेंगे। आसन को पोस्चर और पोजीशन भी कहते हैं ना, तो अपने सामान की सीट बाबा कहते हैं, अपनी अवस्था रूपी आसन, अपनी स्थिति के आसन पर बैठोगे उसी अनुसार फिर राज सिंहासन मिलेगा। राज्य करने वाले अर्थात अधिकारी बन गए, कोई भी आकर्षण के कर्म भोग या कर्म इंद्रियों के अधीन न हो अधिकारी बनना है। तो बाबा कहते हैं कि राजा किसको कहते हैं, जो अधिकारी होता है, जो मालिक होता है, सॉवरेन होता है, किसी के अधीन नहीं होता है। जैसे जंगल में शेर होता है तो शेर को कहते हैं जंगल का राजा, तो उससे सब डरते हैं और शेर किसी से नहीं डरता, निर्भय होता है, इसी मैंने अधीन नहीं होता। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं अधिकारी के संस्कार भरने हैं, अधीनता कोई भी ना हो किसी प्रकार की। अभी ये राज आसन योग के लिए आसन होता है ना, आसन पर स्थित होते हैं। आसन होता ही है बैठने के लिए, स्थित होने के लिए। तो स्थिति में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। तो जितना जितना आसन पर बैठने का अभ्यास होगा उतना राज सिंहासन पर बैठने का अभ्यास प्राप्त होगा। जहाँ का आसन वहाँ का सिंहासन, अभ्यास हो रहा है ना, नेचुरल रूप लेता जा रहा है, करना नहीं पड़ता लेकिन हो ही जाता है। स्वभाव ही ऐसा हो गया है जिससे और कोई स्वभाव के वश कोई भी कार्य करना स्वतः हो ही जाता है, वैसे ये भी स्वभाव हो जाए, नेचुरल नेचर हो जाए। हाँ, यानी अपना सो का भाव हो जाए, उसके लिए आपको कोई खास एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़े, अभ्यास हो रहा है ना। बाबा कहते हैं जैसे और कोई स्वभाव के वश कोई भी कार्य करना स्वतः हो जाता है, वैसे ये भी स्वभाव हो जाए अधिकारी बने रहने का स्वभाव। अधिकारी बने रहने का स्वभाव हो जाए। योग लगाने का संकल्प किया और हुआ, बाबा कहा और योग लगा, यही समीपता की स्थिति है। बैठे ही आसन पर हैं, जैसे सिंहासन पर बैठा हुआ कब भूल नहीं सकता कि मैं राजा हूँ, ऐसे ही आसन पर स्थित अर्थात इस स्थिति पर स्थित हुआ ये भूल नहीं सकता कि हम अधिकारी हैं, हम राजयोगी हैं। सभी यथार्थ और युक्ति युक्त हैं, थोड़ा बहुत तो होता ही है और होना भी चाहिए, नहीं तो लास्ट पेपर्स कैसे होंगे। ये भी प्रैक्टिकल पेपर्स ही हैं, ये पेपर्स ही मार्क्स जमा कराते हैं, मार्क्स जमा की हैं, मार्क्स जमा होते होते पास विद ऑनर की लिस्ट में आ जाएंगे। ये जो कुछ होता है वो पेपर्स के जमा होने के लिए है, सब बातों में जमा होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये जो परिस्थितियाँ आती हैं आपके आगे, ये जो परीक्षाएं आती हैं, ये जो विघ्न आते हैं, यही पेपर क्रॉस करने से आपके मार्क्स जमा होते हैं। तो मार्क्स जमा करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है,
ताकि मार्स एग्रीगेट बने जिससे हम पास विद ऑनर हो जाए. सब बातों में जमा होना चाहिए, न कि सिर्फ याद की यात्रा में नहीं, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होने चाहिए. हाँ, बाबा ने ये भी अटेंशन दिलाया कि जैसे दुनिया के अंदर भी कई सब्जेक्ट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स के सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आएंगे उसके टोटल के आधार पर ही वो पास विद ऑनर होता है ना. केवल बाबा कहते याद की यात्रा में मार्क्स जमा नहीं करने, बल्कि धारणा में, सेवा में, ज्ञान में, इस सब में मार्क्स जमा करने, तब ही बाबा कहते हैं पास विद ऑनर होंगे. सफलता तो हर कार्य में पहले से ही नूंदी हुई है. फिर चाहे पर्दे के अंदर हो, चाहे पर्दे के बाहर हो. कोई हालत में पर्दे के अंदर सफलता होती है, कोई हालत में प्रत्यक्ष सफलता होती है. है तो दोनों हालत में सफलता व प्रत्यक्षता. कुछ समय गुप्त को भी देखना पड़ता है, छिपे हुए को प्रत्यक्ष होने में कुछ समय लगता है. प्रत्यक्ष तो उसी समय दिखाई पड़ती है, ये बल छुपी हुई है, परंतु है तो सफलता ही, वो तो मिट नहीं सकती. ये थी बाबा की आज 3 अगस्त 1975 की मुरली. बाबा ने अपनी पांडव सेना की महिमा भी की और बाबा ने ये भी याद कराया कि बच्चे किस प्रकार का टेंशन आपको भयभीत करेगा. और फिर बाबा ने ये भी बताया कि कमज़ोर को छोड़ नहीं देना है, उसको भी पावरफुल बनाना है, वातावरण को पावरफुल बनाना है. हमें देखना है कि हम कौन सी स्टेज वाले हैं. माने कोई भी स्टेज वाला हो, चाहे तीसरी स्टेज वाला हो, लेकिन हैंडलिंग ऐसी हो जो वो शक्तिशाली बन जाए और फिर हमारी दिनचर्या में साधारणता नहीं होनी चाहिए. दिनचर्या भी हमारी पावरफुल हो, योगियों की दिनचर्या हो, न कि साधारण. और फिर राज सिंहासन पर तभी विराजमान हो सकते हैं जब वर्तमान समय हम राज आसन पर बहुकाल से रहेंगे. ओम शांति.